वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज मैं मेथी का पराठा और टमाटर की चटनी का रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके लिए चटनी बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल गरम कर लिया है। उसमें 1 टी स्पून मैंने राई तड़का लिया है और 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ मेथी, हरी मेथी और 1 टेबल स्पून अदूकस किया हुआ अदरक और 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब ये सभी को हम चम्मच चलाते हुए कलर चेंज होने तक भून लेंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा प्याज बारीक कट करके ऐड कर रहे हैं। जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो हम इसमें मटर ऐड कर रहे हैं। आप अपने अनुसार मटर कम ज़्यादा कर सकते हैं या तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं। इसमें 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर और 2 टी स्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। अब ये सबको हम 1 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें 1 kg टमाटर बारीक कट करके ऐड कर रहे हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे और इसको ढककर मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। हम इसको टमाटर के गलते तक अच्छे से पका लेंगे। टमाटर पूरी तरीके से गल चुका है तो अब हम इसमें 1/2 टी स्पून गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। फ्लेवर के लिए आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें अब टमाटर का पानी पूरी तरीके से सूख गया है और हमारा चटनी रेडी हो गया है। तो हम लास्ट में गार्निशिंग के लिए हरा धनिया ऐड कर रहे हैं। तो अब हमारा ये चटनी रेडी हो गया है। अब पराठा बनाने के लिए मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून घी को गरम कर लिया है और इसमें 1 टी स्पून मैंने तिल ऐड किया है और 1 टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें 2 बंच मेथी को कट करके ऐड कर रही हूँ। मैंने इसको कट करके पहले से अच्छे से वॉश करके रखा था तो उसको मैंने ऐड कर लिया है और अब मैं इसको मेथी के गलते तक पका लूँगी। तब हमारा मेथी गल चुका है तो मैं इसमें 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून मिर्ची पाउडर और 1 टी स्पून धनिया पाउडर ऐड कर लिया और ये सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा मेथी का पानी हल्का सा सूख गया है तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। और अब हम एक बाउल में 2 कप गेहूं का आटा ले लिए हैं और 2 टेबल स्पून हम बेसन ऐड कर रहे हैं। उसमें हम 1 टी स्पून अजवाइन ऐड किए और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हम जो मेथी गला कर रखे थे अब हम इसको इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। तो इस तरह हमारा डो रेडी हो गया है और इसमें मेथी का भी लेयर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम इसका पराठा बनाते हैं। तो मैंने एक पराठा बनाने के लिए एक छोटा सा बॉल के साइज़ का लोई ले लिया है और उसको मैं वीडियो में जैसे कि दिखाई दे रहा है मैं ट्रायंगल शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो इसको राउंड शेप में भी बेल सकते हैं। आपको जो शेप पसंद हो आप वैसा शेप दे सकते हैं। तो अब मैं इसी तरह बाकी सारी पराठे भी बेल कर रेडी कर लूँगी और फिर इसको मैं तवे में थोड़ा सा घी डालकर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लूँगी। ये पराठा ठंडी के दिनों में मोस्टली बनाया जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके साथ टमाटर की चटनी भी बहुत टेस्टी लगती है। टमाटर की चटनी को हम किसी भी पराठे, पूरी या राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह मैंने सारे पराठे बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब मैं इसी डो से पूरियां बना लूँगी। अगर आपको पराठे ना पसंद हो तो उसकी जगह आप पूरियां भी बना सकते हैं अगर आपको पूरी पसंद हो। तो मैं इसी
दो को छोटा सा लोई लेके पूरी का राउंड राउंड शेप दे दूंगी और इससे मैं पूरी बना लूंगी। तो आपको पराठे पसंद हो तो पराठे बना लीजिए, या तो पूरी पसंद हो तो पूरी बना लीजिए, एक ही डो से दोनों बन जाएगा। तो अब मैं इसको फ्राई करती हूँ, तो हल्का सा प्रेस करते हुए हम इसका फ्राई करेंगे और अब हमारी पूरियाँ अच्छे से फूलकर रेडी हो गई हैं। तो इसी तरह मैं बाकी की भी पूरियाँ तलकर रेडी कर लूँगी। तो इस तरह आप एक ही डो से मेथी के पराठे और पूरियाँ दोनों बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो आज का रेसिपी आपको मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।